रेनू ऑफिस जाते हुए अपने सास को पैसे देते हुए जाती है। माँ जी, ये 8000 रुपये आप अपने पास रखें, यह बोलते हुए सास को 8000 रुपये दे देती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को जब रेनू घर आती है तो रेनू की सास रेनू से कहती है, बेटी मुझे इतने पैसे का क्या काम, तुम इसे अपने पास ही रखो। रेनू फिर कहती है, माँ जी 2 महीने हुए हैं हमें इस नए घर में आए हुए, मैं रोज देख रही हूँ आपको कितने चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो, काम वाली को भी देती हो, आप रोज सामने वाले गार्डन में घूमने भी जाती हो। आपको कुछ खाने का मन हुआ या कुछ खरीदने का मन हुआ तो आप कैसे करोगी, इसलिए आप ये 8000 रुपये अपने पास ही रखिए। रेनू की सास ने फिर रेनू से कहा, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास बहू। इस पर रेनू बोली, माँ आपने कितने सारे फ्रेंड्स बनाए हैं, कभी मन हुआ कहीं जाने का या पार्टी करने का तो, और मैं चाहती हूँ आप अपनी जिंदगी खुलकर जियो। इन्होंने मुझे बताया है कि आपने बहुत मुश्किल से इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपने ससुराल में खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। अब आप किसी की या कोई भी चिंता किए बगैर खुश रहें, सिर्फ अपने लिए जियो, जो आपके मन में आए आप वो करो। मैं जानती हूँ आपने कितनी मुश्किलें उठाई हैं इस परिवार को संभालने के लिए, इस घर को बनाने में आपने अपनी कई इच्छाओं का गला घोटा है। बस अब माँ जो हुआ सो हुआ, अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियो। बेटी इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी हैं तूने? माँ जी, जब मैं 11 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी बुआ के घर जा रही थी। मेरी माँ ने दादी को 400 रुपये उनके हाथ पर रखे और बोली, बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खाने पीने पर खर्च करना, खिलौने लेकर देना। दादी माँ के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं बहू। तब से माँ और दादी का व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा हो गया। माँ जी, मुझे ये भी पता लगा है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी थी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा आपको। इसके बाद हर छोटी बड़ी बात के लिए आपको अपने पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। माँ जी, आज से आप आपकी पेंशन को खर्च ना करें, पेंशन के पैसे अपने पास ही रहने दीजिएगा। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं आपसे ले लूँगी। बस बेटी, सब कुछ आज ही बोलेगी क्या, तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है, जल्दी जा। मुझे बोलने दो माँ, यह भी मैं अपनी खुशी के लिए ही कह रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि घर में रहकर 24 घंटे घर में काम करने वाली महिला को कोई भी नहीं समझता है, लेकिन तुम अपने सास की मेहनत को ध्यान में रखना, उनसे प्यार करना, उनका आदर करना। सास ने टपटपाई आंखों से बहू को गले से लगा लिया और आंखों से ओझल ना हो तब तक दरवाजे पर खड़ी रही। बहू के आने पर मैं इस घर के 4 दीवारी में बंद के रह जाऊंगी, ऐसा सोचा था, पर बेटी तूने तो दरवाजा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया, मुझे जीना सिखाया है। मैं भगवान से यही चाहती हूँ कि हर घर में तेरी जैसी बेटी हो और तेरी जैसी ही बहू हो।